ओके आप सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल भी पढ़ लिया और वेरिएबल सेपरेबल के चार टाइप भी पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ गए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने टाइप 5 पढ़ लिया और टाइप 6 का कंसेप्ट समझ लिया था, लेकिन टाइप 6 पर कोई क्वेश्चन बनाया नहीं था। आओ टाइप 6 पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं और बात को समझते हैं। टाइप 6 क्या थी? टाइप 6 थी जनरल लीनियर अपॉन लीनियर, जनरल लीनियर अपॉन लीनियर। आइए टाइप 6 की बात करें। कंसीडर करिए एक इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3y 6-7 माइनस 8। ये लीजिए, कंसीडर कीजिए ये। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, उसके बाद क्या चेक करेंगे b1 प्लस a2 जीरो तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात सुने, इसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल फिक्स है। अगर हमको जनरल लीनियर बाय लीनियर मिलती है, अगर हमको जनरल लीनियर बाय लीनियर मिलती है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं होमोजीनियस में। होमोजीनियस में कन्वर्ट करने का मेथड बिल्कुल सेट है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। तो यहां न्यूमरेटर में जो लाइन लिखी गई है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू 1 y 2 आता है। 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 जा 6 7 8, बिल्कुल सही 1,2 आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x डैश प्लस 1, y को सब्स्टिट्यूट करेंगे y डैश प्लस 2, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आए जोड़ के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अच्छा अरे गड़बड़ हो गई, यहां पर dy / dx होना चाहिए था, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके अब हम बात करते हैं ऐसा सब्स्टिट्यूशन, चूंकि बिल्कुल लीनियर सब्स्टिट्यूशन है तो dx ही आपका dx डैश बन जाएगा और dy ही आपका dy डैश बन जाएगा। अब काम की बात बताता हूं, जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे होगा कुछ नहीं, यहां पर कॉन्स्टेंट गायब हो जाएंगे, यानी x डैश प्लस 2y डैश अपॉन 2x डैश प्लस 3y डैश बनेगा। हमेशा याद रखें कि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला सब्स्टिट्यूशन करने पर कॉन्स्टेंट गायब हो जाते हैं। ये बन गई अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड सेट है, मेथड सीखें, मेथड अप्लाई करें, अपना दिमाग मत लगाएं। अब ऊपर नीचे x डैश से चाहो तो डिवाइड कर दो, चाहे ना भी करो कैसे भी कर लो, तो ये आ गया 1 प्लस 2 टाइम्स y डैश अपॉन x डैश, 2 प्लस 3 टाइम्स y डैश अपॉन x डैश। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, y डैश अपॉन x डैश को हम t रख देते हैं, रटा हुआ होना चाहिए, y डैश अपॉन x डैश को t रख देंगे, x डैश dt / dx डैश प्लस t, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2t अपॉन 2 प्लस 3t। ये लीजिए वेरिएबल सेपरेट, हम जानते हैं क्या निकल के आएगा, dt अपॉन दिस फंक्शन 1 प्लस 2t 2 प्लस 3t माइनस t इज इक्वल टू dx डैश / x डैश। ये निकल के आ गया, ये लीजिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ध्यान रखना यहां पर डबल सब्स्टिट्यूशन है, अब तो इंटीग्रेट तो कर लेंगे, इंटीग्रेशन में कोई खास बात नहीं। सबसे पहले t को रखेंगे आप y डैश अपॉन x डैश, और y डैश को क्या रखेंगे भाई, यहां देखें y माइनस 2, और x डैश को क्या रखेंगे x माइनस 1, देन मिलेगा आंसर। ज्यादा मुश्किल नहीं है, है आसान सा, लेकिन मेथड को प्रॉपरली फॉलो करना है। कॉपी करिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने समझ ली, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस भी अपन ने समझ ली, जनरल लीनियर बाय लीनियर। इस पर और सवाल भी लिए जा सकते हैं, लेकिन सारे वेस्ट ऑफ टाइम ही है, क्योंकि सारे सवाल इसमें एक जैसे ही होते हैं। तो ये देखिए, ओके अब सब बच्चे इस पर ध्यान देंगे बहुत ज्यादा। अब अपन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तीसरे प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन ने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ ली, बहुत आसान, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। दूसरी अपन ने होमोजीनियस पढ़ ली, वो भी समझ गए भाई। अब हम बात करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यू समझ लीजिए, यहां से रियल में डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर की शुरुआत होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप आईआईटी जेई में 100 क्वेश्चन आए हैं मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो 99 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LDEB कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज्यादा काम के और इसके फॉर्म भी जबरदस्त, मतलब और दिमाग भी लगाना पड़ता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
जैसे मैं बताऊंगा आप बिल्कुल वैसे समझेंगे, कहीं नहीं हटकेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखाई पड़ती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है y और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं सबकी पावर 1 हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है y खुद, y भी और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं सबकी पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव मस्ट हैव डिग्री या पावर, जो भी आप कहना चाहें, 1, तब उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर तक है, हमारे सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर तक है, तो हमारे में एक ही डेरिवेटिव आएगा, ये इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। ध्यान देना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शब्द है वाई और उसके सब डेरिवेटिव। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की भी हो सकती है, जैसे मान लो मैं लिखना चाहूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो इसमें कोई खास बात नहीं है भाई, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा इनटू सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस इनटू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा इनटू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, वाई आ जाएगा अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, पी वन एक्स भी यानी एक्स का कोई फंक्शन, पी टू एक्स भी एक्स का कोई फंक्शन, पी थ्री एक्स भी। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर कितना भी हो सकता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहते हैं जब y खुद और उसके सारे जितने भी डेरिवेटिव हैं सबकी डिग्री पावर कितनी हो, 1 हो, और कोई भी दो आपस में मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होना चाहिए। ये भी अपन लिख सकते हैं एंड नो टू, वैसे अंडरस्टूड है लेकिन फिर भी इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने पहले समझा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा। कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच वाई एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स हैव पावर 1 एंड नो टू ऑफ देम आर इन मल्टीप्लीकेशन, और कोई भी मल्टीप्लीकेशन में ना हो। अब लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, कि हमारे सिलेबस में क्या है, ऑर्डर 1, डिग्री 1। जैसे ही आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोली, डिग्री 1 तो तय हो गई, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 ही है, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि y और उसके सारे डेरिवेटिव की पावर डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन हमारे केस में ऑर्डर भी 1 होगा, तो हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी दिखाई पड़ेगी इन जनरल, कि dy by dx plus py equal to q। हो सकता है dy by dx के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में हो तो उससे डिवाइड कर देंगे। ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, जहां पर पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। पी और क्यू दोनों के दोनों किसके फंक्शन होंगे, केवल एक्स के फंक्शन होंगे। उसी प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल में हो सकती है। मान लीजिए मैं लिख दूं dx by dy plus px equal to q, अगर p and q function of y only, तो ये बन गई linear differential equation in x। जिस variable में linear differential equation होगी, JE के syllabus की बात करें, जिस variable में linear differential equation होगी वह variable केवल दो ही जगह दिखाई पड़ेगा। देखो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y एक dy by dx में है, एक py में, बस। बाकी यहां भी x है, p भी x का फंक्शन है, q भी x का फंक्शन है। वैसे ही अगर ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x केवल दो जगह दिखाई पड़ता है, एक dx by dy में, एक p के साथ मल्टीप्लीकेशन में। बाकी यहां भी y, ये भी x, y का फंक्शन, ये भी y का फंक्शन। ये तो हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमको कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। dy by dx का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, या जो भी है dx by dy का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, इस फॉर्म में दिखनी चाहिए। जब वह इस फॉर्म में दिखेगी तो हम उसको कर पाएंगे सॉल्व।
कॉपी करो तो समझाऊं कैसे करते हैं दोनों को सॉल्व। कॉपी करिए। ये तो हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग। अब सवाल उठता है, सर अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, समझ में तो आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व की जाती है, बल्कि अगला ही पन्ना ले लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व की जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से बोर्ड पर देखें, बहुत आसान है, सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इजी चैप्टर है ये। आइए, जैसे मान लीजिए आपको dy by dx plus py equal to q given है, जहां पर p एंड q फंक्शन ऑफ x ओनली। dy by dx plus py equal to q given है, जहां पर जो है p और q केवल x के फंक्शन है। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेट है, एक लाइन का मेथड है, ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं आई से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, जो वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसका इंटीग्रेशन, जो वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में उसका इंटीग्रेशन। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आई से, तो ये बन जाएगा आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू आई के बजाय, बल्कि उसको वही लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर महसूस होगा आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये हमारे पास निकल के आ जाता है। ओके, अब चाहे आपको दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, रट लीजिए कि ये चीज हमेशा होगी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई। कैसे गुरुजी? मैं दिखाता हूं। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरा प्लस पहला इनटू दूसरे का डेरिवेटिव। अब ई की पावर इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव p, e की पावर इंटीग्रेशन इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव p, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। ऐसा होने से फायदा क्या हुआ, ऐसा होने से फायदा ये हुआ कि अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, d e की पावर इंटीग्रेशन p dx dy इज इक्वल टू q e की पावर इंटीग्रेशन q dx dx। q भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, दोनों और इंटीग्रेट कर देंगे, dy नहीं, ये गलत लिखा है, केवल y होगा, y दोनों और इंटीग्रेट कर देंगे। तो इधर e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx dx प्लस c। अब इतना सारा आपको प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले सीधे सॉल्यूशन लिखे y i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी एक्स प्लस सी, देखो यही लिखा है y i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी एक्स प्लस सी, यही आंसर है एंड गेट। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे हर बार पहुंचेंगे यही, तो क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग, सीधे लिखें y i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी एक्स प्लस सी, y i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी एक्स प्लस सी। इस बात पर सब लोग बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देंगे, वाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी एक्स प्लस। ओके, अच्छा मान लीजिए यहीं पर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में होती, वैसे सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूं, इज इक्वल टू क्यू, अब की बार पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ वाई ओनली, पी और क्यू केवल वाई के फंक्शन होंगे। तब की बार हम कैसे करेंगे, बहुत आसान से बात है, कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब की बार होगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, क्योंकि पी वाई का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन e की पावर पी डी वाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इंटू पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। इसको आप क्लब करेंगे, चाहे दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन मुझे उम्मीद है
पिछली बार के कारण अब आपको दिख रहा होगा, यह चीज आपके पास निकल के आएगी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इंटू एक्स। आइए इस चीज को हम उल्टा डिफरेंशिएट करके भी देखें। यहां पर भी अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले वाले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा वाला प्लस पहला वाला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, e की पावर का डेरिवेटिव होता है e की पावर इंटू पावर का डेरिवेटिव p। बहुत बढ़िया, dy को उधर ले जाएं तो बन जाएगा d e की पावर इंटीग्रेशन p dy x इज इक्वल टू q e की पावर इंटीग्रेशन p dy dy। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके पास आ गया e इंटीग्रेशन p dy इंटू x इज इक्वल टू q इंटू e की पावर इंटीग्रेशन p dy dy प्लस। यहां पर भी जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सॉल्यूशन लिखें आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी वाई प्लस सी सीधे। तो ये रट लीजिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फालतू मैनिपुलेशन करके हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद फालतू मैनिपुलेशन करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बल्कि सीधे सॉल्यूशन लिखेंगे वाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई डी एक्स प्लस। कॉपी करो तो सवाल करें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने समझ ली और जैसा कि मैंने बताया आपको कि यही से रियल में आईआईटी की डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर शुरू होता है। वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस तो हम इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि जब लीनियर पढ़े तो समझ में आए। ओके अब आ जाइए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस हम लोग सवाल करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप बस ध्यान से देखें, टाइम बचाने के लिए सवाल ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला सवाल ये देखिए, मुझे उम्मीद है सवाल आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, सवाल देखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सब लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम अपन को यह करना है कि जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पहचानना है कि लीनियर है कि नहीं। तो भैया ये है लीनियर, क्यों है लीनियर? क्योंकि वाई सिर्फ दो जगह दिख रहा है बाकी सब जगह एक्स ही एक्स है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं वाई केवल दो जगह दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये चीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है। तो सबसे पहला काम हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम हमको करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो dy by dx के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, पाई को इधर ले आएंगे, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा dy by dx plus y x square minus 1 x into x square plus 1 is equal to x square ln x whole upon x into x square plus 1। ये निकल के आ गया। ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस साइन ही आता है, अगर बीच में माइनस साइन आ जाए तो उसको p के साथ ले। स्टैंडर्ड फॉर्म का बिल्कुल ध्यान रखें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कभी भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद का प्रोसेस सेट है, प्रोसेस वेल नोन है, प्रोसेस स्टैंडर्ड है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p का मतलब होता है जो कुछ y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। हे भगवान कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, चलो देखते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नीचे यहां से x को बाहर निकालें, जब आप नीचे x को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये x प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान देखेंगे x प्लस वन बाई एक्स dx, ये निकल के आ गया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अरे रे रे गुरु जी गुरु जी गुरु जी, आंखों ने आज कुछ देख लिया सवेरे सवेरे। x प्लस वन बाई एक्स dx, ध्यान से देखिए अगर x प्लस वन बाई एक्स को t रख दें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर dx ही dt हो जाएगा। थोड़ी चीज हवा में भी देखने की कोशिश करें। अच्छा लिख देता हूं, मुंह बिचका रहे हैं आप लोग। x प्लस वन बाई एक्स को t रख दें तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर dx विल बिकम dt, ठीक है, बन जाएगा dt by t ln t e की पावर ln t। यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ना है, कुछ तज्जू बच्चे यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं फिर कोने में खड़े होकर हंसते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना जोड़े, t का मतलब आ गया x plus 1 by x यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर x square plus 1 upon x। मेन एम 90% काम हो जाता है जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं। जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं 90% काम हो जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सीधे हम आंसर लिखेंगे
yi is equal to integration qi dx plus c. तो y into integrating factor x square plus 1 upon x is equal to integration q x square ln x upon x into x square plus 1 into integrating factor x square plus 1 upon x dx plus c. उत्तर आंखें के सामने नाचने को तैयार बैठा है. आइए x square ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. अरे रे रे रे, चुटकुला हो गया गुरुजी. तो ये हो गया x square plus 1 upon x ln x का इंटीग्रेशन x ln x minus x plus c. बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं होता. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद वो बीच के तामझाम करने की जरूरत नहीं है. सीधे आप आंसर पर आ जाइए, yi is equal to integration qi dx plus c. क्योंकि तामझाम करोगे तो भी वहीं पहुंचोगे, तो क्यों ना टाइम को बचाया जाए. बिकॉज एग्जामिनेशन में टाइम इज रैंक. कॉपी करें. ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला सवाल. आइए और सवाल लें और समझें. आसान सा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मैथ्स वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है. बस आपको मेथड्स को समझना है. आइए एक और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए. छोटी चुन्नू सी लग रही है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आसान सी है. सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए dy by dx के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं. तो ये बन जाएगा dy by dx plus y upon x ln x is equal to 2 ln x upon x ln x. ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. e की पावर इंटीग्रेशन 1 upon x ln x dx. क्लियरली अंधा बच्चा देख सकता है, ln x को अगर आप t रख दें तो 1 by x dx will become dt. तो dt upon t, e की पावर इंटीग्रेशन dt upon t, तो dt by t आपके लिए लिख रहा हूं. यानी e की पावर ln t which is t, t यानी ln x. तो यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो बेहतरीन ln x ही आ गया. चलिए ln x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे हम लोग जानते हैं आंसर निकल के आएगा yi इंटीग्रेशन qi dx plus c. फालतू क्यों टाइम वेस्ट करें. y ln x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q. q को अगर निहारें तो ln x q में से ऑलरेडी कट चुका है. यहां पर आ जाएगा q यानी 2 by x into ln x dx plus c. इसका इंटीग्रेशन तो आजकल प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के करते हैं. ln x को डिरेक्ट दें 1 by dx dt हो जाएगा. तो 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर. वाह, ln स्क्वायर x plus c. कॉपी कर लीजिए. आइए और सवाल लें. आसान आसान सवाल है. शुरू में थोड़ा देखें, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ जाएगा सवालों का. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3, सब चीजें मार्क्ड हैं. उत्तेरी ऐसा लग रहा है लेवल बढ़ता गया. यहां पर देखिए पूरी क्वेश्चन को घूरिए, निहारिए, ताड़िए, अवलोकन कीजिए. आपको वाई केवल दो जगह दिखाई पड़ेगा. एक वाई यहां डीवाई बाई डीएक्स में, एक वाई यहां पर है, और कहीं कोई वाई नहीं है. चलिए सबसे पहला काम आपको यह करना है. क्या क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है सब लोगों को? ठीक है, ठीक. सबसे पहला काम यह करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इससे डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा dy by dx plus y into 2x sin x plus x square minus 1 cos x whole upon x square minus 1 sin x is equal to x square minus 1 cos x. ये मैंने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. dy by dx plus py equal to q. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx. तो अपन पहले क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन p dx को निकाल लेते हैं. बार बार e की पावर चढ़ाने में जो है फालतू e लिखना पड़ता है और इसकी शक्ल भी भयानक थी है. ये बन जाएगा 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस एक्स. क्या आपकी आंखें वो देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं? क्या आपकी आंखें वो देख रही हैं? बिल्कुल. डिनोमिनेटर को टी रख दें तो उसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है. ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए मेरे बच्चों. अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन एक्स को आप टी रख दें तो 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस एक्स डी एक्स ही डी टी बन जाएगा. तो ये आ जाएगा
इंटीग्रेशन डी टी बाई टी विच इज एल एन टी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एल एन टी विच इज टी, टी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन एक्स। दिखने में भयानक, भयावह, भयंकर, लेकिन करने में बड़ा इजी, सब सही है मेरे बच्चे, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ये आ गया निकल के। अब जो है हम क्या करते हैं, हाँ हाँ, यहां पर हमारा डिवीजन बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, यहां डिवीजन रह गया है तेरे, अभी तो पाप हो जाता साइन एक्स, यहां डिवीजन रह गया, वो अपन ने इससे डिवाइड किया, केवल इसी को डिवाइड करते रह गए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में दिमाग में सोच रहा था। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही विद्यार्थी, चलिए अच्छा। अरे तो कट भी जाएगा, काट दीजिए, जब भी कटे काट दीजिए, फायदा होगा, ये लीजिए। ओके तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वाई डी एक्स प्लस सी, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू 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 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स सी इंटू आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ये कितना साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। एक पीली रंग की रेखा खींच लेते हैं ताकि दोनों को सेपरेट कर पाए, ये निकल के आ जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी चला रहा है बस। आइए जी, आइए जी का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बन जाएगा, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन तो आता ही है, आंसर आ जाएगा, कॉपी कर लीजिए। और सवाल लगाते हैं, ले लीजिए यहां पर बात करें एलडी एलडी फोर। यस, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा भयंकर लग रहा है, इसमें गिनती करो y कितनी जगह है, एक दो तीन, तो y में LD नहीं हो सकती। अच्छा गिनती करो x कितनी जगह है, दो, x में होगी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों रेसिप्रोकल ले लो, तो dx by dy इज इक्वल टू x cos y प्लस साइन 2y, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, dx by dy प्लस x इंटू माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू साइन टू वाई। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में बीच में प्लस साइन आता है, अगर माइनस साइन आ रहा है तो पी के साथ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई डी वाई, माइनस कॉस वाई डी वाई सुंदरता नाम की चीज नहीं है, इसमें कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई, ई की पावर माइनस साइन वाई, ये आ गया। सीधे आंसर लिखेंगे, क्या आंसर होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू वाई ई की पावर माइनस साइन वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, x इंटू ई की पावर माइनस साइन वाई, इसको खोल दीजिए एक्चुअली, तो टू टाइम्स साइन वाई कॉस वाई ई की पावर माइनस साइन वाई डी वाई बन जाए, साइन वाई को जैसे ही टी रखेंगे तो कॉस वाई डी वाई डी टी बन जाएगा, तो बन जाएगा टी की पावर माइनस टी डी टी। अब इसके अंदर लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आईबीपी, आईबीपी का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड गेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में एकदम से फील नहीं आती, लेकिन गिनती करने में फील आ जाती है। ध्यान रखना, जिस वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो वेरिएबल केवल दो ही जगह होगा, कॉपी करिए। आइए और देखें एक और क्वेश्चन, ध्यान देखते हैं, सिंपल सिंपल सवाल है, अभी हम वर्ड प्रॉब्लम पर भी आएंगे। एक और क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को भी देखें, तो वाई कितनी जगह, एक दो तीन चार पांच, पांच पांच जगह वाई है, एक्स कितनी जगह है, दो,
तुरंत समझ गए कि गुरु जी ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स ही है, रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो रेसिप्रोकल ले लें तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू टू वाई एल एन वाई प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू वन बाई वाई इज इक्वल टू टू एल एन वाई प्लस वन। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन वन बाई वाई डी वाई ई की पावर एल एन वाई विच इज वाई बाय, सीधे आंसर लिखेंगे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एल एन वाई प्लस वन इंटू वाई डी वाई प्लस सी। मैं केवल लिखूंगा अब आई ए जी, आई ए जी का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट। कॉपी कर लें, बस बस आंखें आंसुओं से भर गई मेरी आज। लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, अरे इसको रुकिए पढ़ना तो आगे सर का है नहीं। आइए और क्वेश्चन करेंगे सिक्स। ये देखिए एक और क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। आइए मिलजुल के साथ, इस बार तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करें, सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें करना कुछ नहीं है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो टू एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी, तो ये बन जाएगा डी एक्स की जगह डी टी बाई टू, तो ये बन जाएगा ई की पावर हाफ बार आ जाएगा डी टी बाई टी, तो ये चीज आ जाएगी ई की पावर हाफ एल एन टी, यानी ये चीज आ जाएगी ई की पावर एल एन टी की पावर हाफ टी की पावर हाफ यानी रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सीधे आंसर लिखेंगे वाई आई यानी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन तो आजकल प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के करते हैं, टू एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपके लिए मैं करूंगा नहीं, सिर्फ लिखूंगा आइए जी। कॉपी करिए, आइए और क्वेश्चन करें। इसके अंदर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अभी तक हमने एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं की, अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, इक्वेशन देने के बजाय आपको ज्योमेट्रिकल सिचुएशन दे देंगे, इक्वेशन देने के बजाय ज्योमेट्रिकल सिचुएशन दे देंगे और उस ज्योमेट्रिकल सिचुएशन से आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन। ध्यान से सुनेंगे कैसे, इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है कैसे हम बनाते हैं इक्वेशन, उसको देखिए। फाइंड द कर्व पोजिशनिंग द प्रॉपर्टी, इसके अंदर आप क्या करना है, जो भी कुछ गिवन हो आप कर्व मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स और उस पर एक पॉइंट मान लीजिए p x1 y1 और सब कुछ x1 y1 के टर्म में लिख दीजिए। हर बार यही करना, कर्व मानना y इक्वल टू एफ एक्स और पॉइंट p मानना x1 y1 और सब कुछ x1 y1 के टर्म में लिखना। क्या प्रॉपर्टी है, फाइंड द कर्व पोजिंग द प्रॉपर्टी दैट द इंटरसेप्ट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व कट्स आउट ऑन द y एक्सिस। तो ठीक है भैया, किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट जो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कट करती है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर इसको o मान लें, इसको t मान लें, तो कहता है कि ओ टी एब्सिसा यानी x1 स्क्वायर के बराबर है, ये कहता है। तो बड़े आराम से अपन करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन हम मान लेंगे y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहां m का मतलब है dy बाई dx। तो ये y एक्सिस को कहां काटेगा, जहां x जीरो होगा, अगर x को हम जीरो रख देते हैं तो ये आ जाएगा y1 माइनस एम एक्स वन। तो कुल मिला के तुम्हारे पास आ गया कि y1 माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे
तो हमेशा dy by dx को m और x1 y1 मान के करिए। अब जनरलाइज कर दीजिए, जनरलाइज करने का मतलब x1 को जनरल x से रिप्लेस कीजिए, y1 को जनरल y से रिप्लेस कीजिए, m को dy by dx से रिप्लेस कीजिए। तो y माइनस m, गलत लिख रहे हैं, y माइनस x dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। y केवल दो जगह दिख रहा है, x तीन तीन जगह दिख रहा है, तो ये क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। आइए इसको ढंग से लिखें, सबको उधर ले जाएं और एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, यूं कहिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने कोई खास बात नहीं है, हम निकालेंगे सबसे पहले इसका, इसको सॉल्व करने के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आइए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, जो कि बन जाएगा e की पावर माइनस एल एन एक्स, तो जो कि वन बाई एक्स ही निकल के आ जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद खट से एक लाइन में इंटीग्रेट कर देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स इंटू वन बाई एक्स dx प्लस सी। तो आ गया y बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। यही है वो कर्व, बेसिकली पैराबोला ही बनेगा, पैराबोला की प्रॉपर्टी है, यही है वो कर्व जिस पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचें तो y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनेगा वो स्क्वायर ऑफ द एब्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बराबर होगा। अगर इसके अंदर मान लो कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी होती, लाइक कर्व 0,1 से पास होता है, कर्व 1,2 से पास होता है, तो हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकालते। वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होती है, इसमें करना कुछ नहीं होता, इसमें शब्दों में इक्वेशन दे रखी होती है और हमको उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना होता है। मेथड सेट है, कर्व पर एक्स वन वाई वन पॉइंट पर पूरा काम कर दें, जब इक्वेशन मिल जाए उसको जनरलाइज कर लें। कर्व को हमेशा एक्स वन वाई वन पॉइंट मान लें, डी वाई एम को डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, और जो भी इक्वेशन कही गई है, जो भी ज्योमेट्रिकल सिचुएशन दी गई है उसको लिख दीजिए, और उसको लिख देने के बाद उसको जनरलाइज कर लें, फिर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें। कॉपी करिए। आइए एक और क्वेश्चन लें, बहुत आसान से हैं ये क्वेश्चन, मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपका थॉट बैठे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। 7-8 क्वेश्चन लिखने का भी टाइम बच रहा है पूरा, टेक्नोलॉजी का पूर्ण लाभ उठाते हुए। चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान देखेंगे सब बच्चे। फाइंड ऑल कर्व पोजेसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, सभी कर्व निकालिए जिनमें प्रॉपर्टी हो, द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड एक्स एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझें। कर्व मान लेते हैं, कर्व हमेशा की तरह वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, और इस पर कोई जनरल पॉइंट P लेते हैं, P हमेशा x1 y1 ले लेंगे, टेंजेंट का स्लोप m ले लेंगे, m मतलब dy by dx। ये टेंजेंट मान लीजिए x एक्सिस को a पर काटती है, और मान लीजिए टेंजेंट y एक्सिस को b पर काटती है, तो टेंजेंट की इक्वेशन बढ़िया y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये आ गई हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन। ये y एक्सिस को कहां पर काटेगी, जहां x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, x कोऑर्डिनेट को जीरो कर दे तो y1 माइनस एम एक्स वन पर काटेगी। x एक्सिस को कहां काटेगी, जहां y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट को जीरो कर दे x1 माइनस y1 अपॉन m। ये सब चीजें हमने निकाल ली। देखो जब भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तब कर्व को बस y इक्वल टू एफ एक्स लिख दीजिए, कर्व को आप लिख दीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, बस कर्व को आपने लिख दिया y इक्वल टू एफ एक्स, ये आ गया कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। कर्व y इक्वल टू एफ एक्स आने के बाद आपको करना कुछ भी नहीं है भाई साहब, उस पर एक पॉइंट x1 y1 मान लेना है, टेंजेंट की स्लोप को m मान लेना है जो कि dy by dx हो जाएगी, जो भी ज्योमेट्रिकल सिचुएशन दी गई है उसको लिख देनी है। यहां पर हमको कहता है टेंजेंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड x एक्सिस बाइसेक्टेड, b इज मिड पॉइंट, B is midpoint of A and P. B जो होगा
तो ए और पी का मिड पॉइंट होगा, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड पी, ये है बेसिकली हिसाब किताब। आप सुनेंगे ध्यान से, तो बी अगर उसका मिड पॉइंट है तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू करके कर सकते हैं, या वाई वन प्लस वाई टू बाई टू करके कर सकते हैं, कोई भी एक बनाए, इक्वेशन एक ही बनती है। तो यहां पर मान लो बी का एक्स कोऑर्डिनेट मैं बोलूंगा, जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पी का एक्स कोऑर्डिनेट बाई टू, यानी टू टाइम्स बी का एक्स कोऑर्डिनेट इज ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पी का एक्स कोऑर्डिनेट। चाहे आप एक्स कोऑर्डिनेट पे बनाइए, वाई कोऑर्डिनेट बनाइए, चूंकि लाइन है ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली जीरो है, तो कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाएगी। ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन माइनस वाई वन बाई एम आ जाता है, प्लस पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन ही आ जाता है। ये बन गई इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन निकल के आ गई 2x1 इज इक्वल टू y1 बाय m, यानी m इज इक्वल टू y1 अपॉन 2x1। इक्वेशन आने के बाद उसको जनरलाइज करना है। जनरलाइज कैसे करेंगे, x1 को x से रिप्लेस करेंगे, y1 को y से रिप्लेस करेंगे, और m को dy बाय dx से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर ये चीज निकल के बेहतरीन आ रही है कि dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय 2x। इस बार फायदा है कि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी, बल्कि सिंपल वेरिएबल सेपरेबल बनी, dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन 2x। इंटीग्रेट कर दें तो ln y इज इक्वल टू हाफ ln x प्लस c। यही है वो कर्व जिसके अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचे तो पॉइंट और x एक्सिस को जहां वो काटती है उसका मिड पॉइंट y इंटरसेप्ट ही निकल के आता है। कॉपी कर लीजिए। ये हो गया टाइप 6 जो अपन ने शुरू किया था। ये पूरा भैया यही है टाइप 6, ध्यान रखें। तो ये होगी पूरी टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हुए। कॉपी कर लीजिए खट से। हाँ अरे फिर देखिए एरर हो गया, टाइप 6 नहीं है ये, इसको मिटा दें। टाइप 6 तो अपन कर ही चुके हैं, टाइप 7, तो टाइप 7 तक अपना पूरा कंप्लीट हो गया।